आईफोन को जाना जाता है सबसे लग्जरी डिवाइस के तौर पर। आईफोन पर कॉस्ट के साथ टैक्स और प्रॉफिट भी लगता है। आईफोन की कीमत जिसकी वजह से ही ज़्यादा होती है, जबकि आईफोन को बनाने में बहुत ही कम खर्च आता है। वहीं अगर आईफोन को असेंबल या एक्सपोर्ट किया जाए तो इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। आईफोन को बनाने वाली कंपनी एप्पल टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यह स्मार्टफोन्स बनाने के अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़े कई और भी प्रोडक्ट्स जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस जैसी कई चीज़ें बनाती है। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल सन 1976 को हुई थी। यह एक अमेरिकन कंपनी है जिसका व्यापार दुनिया भर में फैला हुआ है। अभी के समय भारत में आईफोन 12 की सेल ज़्यादा हो रही है। वहीं आईफोन 12 की बात करें तो इसके 128 GB वेरिएंट की कॉस्ट 84,900 रुपये है, जबकि 64 GB वेरिएंट 79,999 रुपये में आता है। लेकिन काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार आईफोन 12 बनाने में केवल 30,300 रुपये ही कॉस्ट आती है। आईफोन दुनिया का एकमात्र ऐसा स्मार्टफोन है जो महंगा होने के बावजूद मार्केट में आने के कुछ समय बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। इसे खरीदने के लिए लोग स्टोर के आगे घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। हालांकि बहुत से लोग इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसे बेहतरीन क्वालिटी और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाता है। आईफोन के महंगा होने का पहला कारण है इसकी रेटिना डिस्प्ले। आईफोन में रेटिना डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। इस डिस्प्ले में पिक्सल्स की संख्या नॉर्मल डिस्प्ले से कहीं ज़्यादा होती है। जिस डिस्प्ले में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही शानदार होती है। ज़्यादा पिक्सल्स होने से डिस्प्ले और भी अच्छा दिखता है। इसके साथ ही साथ यह आँखों को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। इस डिस्प्ले का इस्तेमाल दुनिया की टॉप मोबाइल कंपनीज भी करती हैं, क्योंकि इसको बनाने की लागत काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में रेटिना डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स महंगे होते हैं। आईफोन के महंगा होने की दूसरी वजह है इसकी कैमरा क्वालिटी। आईफोन का सबसे महंगा पार्ट इसका कैमरा है। एप्पल कंपनी ने अपने स्मार्टफोन्स के कैमरे को बेहतर बनाने के लिए 800 इंजीनियर्स की टीम को लगाया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके कैमरे को बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। इसके कैमरे को 200 से ज़्यादा पीसीज को कनेक्ट करके बनाया जाता है। जब इसका कैमरा बनकर तैयार हो जाता है तो इसकी टीम इसे अलग अलग लाइट्स में टेस्ट करती है। आईफोन की कैमरा क्वालिटी इसे बाकी स्मार्टफोन्स से बेहतर बनाती है। आईफोन के महंगा होने की तीसरी वजह है इसका प्रोसेसर। वैसे देखा जाए तो आईफोन को छोड़कर बाकी सभी स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनीज किसी थर्ड पार्टी प्रोसेसर का यूज़ करती हैं, जिसकी कीमत सस्ती पड़ती है। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो अपने स्मार्टफोन्स में अपना खुद का बनाया हुआ प्रोसेसर यूज़ करती है। इसके प्रोसेसर को काफ़ी हाई क्वालिटी के पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। इस वजह से इसको बनाने की कीमत काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर आप इसके स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि आईफोन कभी हैंग नहीं होता। इसकी मुख्य वजह इसका एडवांस प्रोसेसर है। आईफोन के महंगा होने की चौथी वजह है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। दुनिया की लगभग सभी मोबाइल कंपनीज गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का यूज़ करती हैं, लेकिन एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसका अपना खुद का बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे iOS के नाम से जाना जाता है। एंड्रॉयड के बाद यह दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि इसे एंड्रॉयड के जैसे अपनी तरफ से कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह एंड्रॉयड से कहीं एप्पल के स्मार्टफोन्स में कई पार्ट्स में सोने और चांदी का इस्तेमाल भी किया जाता है। हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम, लगभग 0.034 ग्राम सोना और 0.34 ग्राम चांदी होती है। इन सब के अलावा आईफोन में हाई क्वालिटी के पार्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि आईफोन 12 इतना महंगा क्यों है। 5G की वजह से आईफोन 12 महंगा हुआ है। आईफोन 11 के मुकाबले आईफोन 12 को बनाने में
करीब 12% खर्च आया था। इसकी वजह आईफोन 12 का 5G स्मार्टफोन होना है। दरअसल आईफोन 12 का 128GB मॉडल 11 5G बैंड के साथ आता है। साथ ही इसमें सब 6 GHz और mmWave 5G बैंड्स दिए गए हैं, जो बाकी स्मार्टफोन्स के मुकाबले कहीं बेहतर कनेक्टिविटी देते हैं। आईफोन के अलावा बाकी स्मार्टफोन्स में आमतौर पर 1 से लेकर 5 ही 5G बैंड्स होते हैं, जबकि mmWave 5G बैंड्स का यूज़ बहुत कम स्मार्टफोन्स में होता है। साथ ही आईफोन 12 स्मार्टफोन में LCD की जगह OLED डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से आईफोन 12 की कीमत आईफोन 11 के मुकाबले 12% बढ़ जाती है। आई होप अब आप जान गए होंगे कि आईफोन इतना महंगा क्यों है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा।